हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है महेश, आप देख रहे हैं एबीएम डिजिटल क्रिकेट स्पेशल। दोस्तों, बात करते हैं इंडिया इंग्लैंड T20 क्रिकेट का। 5 T20 मैच के लिए टीम चुन लिया गया है। टीम इंडिया में अपनी 19 सदस्य टीम की घोषणा कर दिया है, जिसमें विकेट कीपर, बल्लेबाज ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, राहुल तेवतिया जैसे युवा प्लेयर को चुना गया है। आपको बताते हैं किन किन खिलाड़ियों को टीम में जगह मिली है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने 19 सदस्य टीम चुना है। 5 T20 सीरीज के लिए ऐलान कर दिया है, जिसमें धाकर बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, युवा बल्लेबाज ईशान किशन को टीम में पहली बार मौका मिला है। ईशान किशन विजय हजारे ट्रॉफी में धमाकेदार पारी खेली थी, 94 गेंद पर 173 रन बनाया था। 4 टेस्ट मैच के बाद वनडे और T20 भी खेलेंगे। सबसे बड़ा स्टेडियम में IPL और डोमेस्टिक क्रिकेट के धमाल मचाने वाला सूर्य कुमार, ईशान किशन में दोनों को टीम में जगह मिला है। लंबे समय से दोनों को टीम में इंडिया टीम में चयन के लिए मांग हो रही थी, और अब वह इंडिया टीम का सिलेक्शन का हिस्सा बन चुका है। चलिए बताते हैं आपको T20 के लिए भारतीय टीम का किस प्रकार हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, KL राहुल, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, वरुण चक्रवर्ती, दीपक चहर, युजवेंद्र चहल, नवदीप सैनी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, टी नटराजन, भुवनेश्वर कुमार, शार्दुल ठाकुर। यह है इंडिया का 19 सदस्य टीम। इसमें 3 नए चेहरे हैं। राहुल तेवतिया पहले भी खेल चुका है, लेकिन सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन को पहली बार इंडिया टीम में चांस मिला है। तो बहुत ही रोमांचक होने वाला है ये T20 सीरीज। IPL में दोनों हिटर बल्लेबाज एक ही टीम मुंबई इंडियन के लिए खेलते हैं, और पिछले सीजन में मुंबई को खिताब दिलाने में अहम भूमिका भी निभाई थी सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन से। अगर बात करें सूर्य कुमार यादव का, तो बहुत ही बेहतरीन डोमेस्टिक क्रिकेट में उसका परफॉर्मेंस रहा है, इसी वजह से उसका इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ है। और ईशान किशन की बात करें तो ईशान किशन ने बहुत बेहतरीन खेला है और अपना प्रदर्शन दिखाया है, इसी वजह से इंडिया टीम में भी उसका सिलेक्शन हुआ है। T20 का जो सीरीज होगा वो पहला होगा 12 तारीख को, उसके बाद होगा 14 तारीख, फिर उसके बाद 16 तारीख, फिर उसके 18, फिर 20। पांचों सीरीज T20 का एक ही मोटेरा स्टेडियम में खेला जाएगा, जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है मोटेरा स्टेडियम। यह बहुत ही बड़ा स्टेडियम है, यहाँ पे पांचों T20 मैच खेला जाएगा, मोटेरा में ही होगा। और देखना यह होगा कि भारत यह T20 सीरीज में जीतता है या नहीं, अपने नाम करता है, 5-0 से इंग्लैंड को हराता है या नहीं। यह बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण डिसीजन होगा भारत के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे युवा प्लेयर को चांस मिला है और एक से एक